ऑल राइट गाइस, सो क्वेश्चन आया है कि भाई सर हमारा हस्बैंड हमारे सामने ही थर्ड पार्टी लाता है, यानी कि लड़कियां लाता है और उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है ऊपर जाके रूम में या उनके सामने, तो क्या ऑप्शन है? तो यार देखो, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है डाइवोर्स, ये तो है ही है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि मेंटल क्रुएलिटी। ये भाई देखो, एक तरह से मेंटल क्रुएलिटी हो रही है, तुम्हारे सामने ही किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन बन रहा है, तो ये मेंटल क्रुएलिटी। तो 498 का आप केस कर सकते हो और डोमेस्टिक वायलेंस में भी जाके आप रिलीफ ले। अब डोमेस्टिक वायलेंस में क्या रिलीफ होता है? देखो उसमें ना कंपनसेशन होता है, जैसे आपको मेंटली वो हुआ तो आप कंपनसेशन ले सकते हो, क्योंकि यार ये चीज अब क्या मतलब होता है ना कंपनसेशन एक तरह से, भाई इसको कैसे पे करें, तो कंपनसेशन कर सकते हो। और नेक्स्ट थिंग तो है डाइवोर्स, तो है वैसे सही सलाह दूं तो आप उस पर्सन से डाइवोर्स ले लो म्यूचुअल, अगर माने, अदरवाइज क्योंकि आज वो ये ला रहा है। वो कहावत नहीं है कि भाई घोड़े को पानी के किनारे तो लाया जा सकता है, तट के किनारे तो लाया जा सकता है, लेकिन उसको जबरदस्ती पानी नहीं पिलाया जा सकता, यानी कि वो तुम्हारे साथ रह तो लेगा लेकिन वो कोहैबिटेशन करे ना करे वो उसकी चॉइस है। कोर्ट उसको एनफोर्स नहीं कर सकती, भाई तूने शादी करी है तो इसके साथ फिजिकल बना, तो इसके साथ ये कर वो कर, समझ रहे हो? क्योंकि यार देखो वो चॉइस वाला काम है, किसी से मन मिलेगा तभी तो होगा, ऐसे थोड़ी ना कोई किसी के साथ कुछ भी कर ले। तो आपके पास 498 का आप केस कर सकते हो, मैं 498A FIR करा सकते हो और आप अपने पास रिकॉर्डिंग वगैरह रख सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी आपके पास सबूत है, जो ये सब करता है आपके सामने तो कर सकते हो। और इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल तक है अगर प्रूफ हो जाता है, तो यही ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन डाइवोर्स। और 498 में ये कि थोड़ा टाइम लगता है, ट्रायल है, ट्रायल चलेगा, मतलब प्रोसीजर फॉलो तो करेगा ही, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ेगा। इंडिया में प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ चलता है ना, अब यूएसए तो है नहीं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलता है, तो यहाँ सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके कोई डिसीजन आएगा, तब जाके आपको रिलीफ मिलेगा। और ये भाई क्या कर सकता, अब अडल्ट्री तो अलाउड है ही है, वो तो लाएगा, कल को मान लो आपके पास ना लाए वो उसके पास चला जाएगा। इससे अच्छा है, बेटर ऑप्शन है डाइवोर्स, म्यूचुअली डाइवोर्स ले लो और अपना निप। कुछ लोग कहेंगे भाई डाइवोर्स यार देखो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक वो डायलॉग भी तो है ना कि ढूंढा तो राजा वो सीता जी के पिता ने भी राजा था लेकिन सुख नहीं भोग पाई, क्या क्या करे इंसान चेंज हो जाती है कि नियत थोड़ी ना बदल सकते हैं, उम्मीद है ये भी। और यार शादी को ना ज्यादा वो ना समझो तुम, मतलब लोग ना पता नहीं क्या सीरियस ले जाते हैं कि शादी पता नहीं क्या है, शादी हो गई तो भैया ये है वो है, कुछ नहीं है भाई। आज से मैं बता रहा हूँ 2040 तक, मैं मतलब प्रिडिक्शन है ये, देखना 2040 तक अगर मैं जीवित रहा तो देख, 2040 तक लोग शादी वादी नहीं करेंगे, मतलब ऐसे ही चलेगा, करेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है भी जो शादी वाले काम है वो ऐसे ही कर सकते हैं, शादी का कोई रिलीवेंस ही नहीं है, अंटिल अनलेस कोई पार्लियामेंट लॉ ना बनाते अलग, समझ रहे हो? 2040 के बाद लोग शादी करना छोड़ दें। तो यही है भाई, मतलब बहना तुम वो कर सकती हो अपना 498 का केस कर सकती हो। और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम कुछ दिन अपने मायके चले जाओ, पर जाना मत, क्योंकि फिर क्या हस्बैंड को मौका मिल जाता, फिर वो लेने नहीं आता, और इंडियन सोसाइटी की लड़की इतनी हिम्मत वाली नहीं कि वो खुदा के रहे, तो या तो झेलो या डाइवोर्स लो या 498 का केस करो, लड़ो या फिर सहते रहो, चॉइस इज योर। लीगल ऑप्शन तो ये 498 का केस ही बस। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर।